नमस्ते इंडिया, और अब मैं पहुंच गया हूं बड़े बाजार के इस एटीएम के बाहर जहां लाइन लगी है। तो पूछते हैं इनसे कि मोदी जी ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करके बदले में नए नोट लेने को कहा है, और ये इस बारे में क्या सोचते हैं। अरे भाई साहब, आप तो लाइन देख कर ही चल दिए। ऑफिस जाना है सर, वैसे भी अभी बहुत दिन है, बेकार भीड़ बढ़ाने से क्या, लोग घबरा जाते हैं। ईमानदारी का पैसा कभी मारा नहीं जाता, और जिन्होंने दो नंबर की कमाई की है ना, उनके साथ तो यही होना था, पर मेरा पैसा सुरक्षित है। भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की इस मुहिम में इनका पैसा तो सुरक्षित है। आपको फिर मिलवाता हूँ ऐसे ही किसी और ईमानदार से। और आज पूछते हैं पटना के सरकारी स्कूल के मास्टर प्रसाद जी से। मास्टर साहब एक मिनट, ये जो 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, कुछ पैसे बदलने हैं और 30 दिसंबर से पहले बैंक में जमा कर देंगे और नए नोट ले लेंगे। शुरू के दिन में थोड़ी तकलीफ होगी, पर देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए इतना तो हम भी कर सकते हैं। हम सैलरी वाले हैं, मेरा पैसा सुरक्षित है। भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की इस मुहिम में इनका पैसा तो सुरक्षित है। आपको फिर मिलवाता हूँ ऐसे ही किसी और ईमानदार से। तो क्या सोचती है दिल्ली के लाजपत नगर में सब्जी की रेड़ी लगाने वाली सीता देवी? ईमानदारी का कमाया पैसा है बाबू, कहीं नहीं जाएगा, आराम से जाएंगे। अभी तो 30 दिसंबर तक का तारीख है, बैंक नहीं तो डाकघर चले जाएंगे, देश का कुछ भला ही होगा, मेरा पैसा सुरक्षित है। भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की इस मुहिम में इनका पैसा तो सुरक्षित है। आपको फिर मिलवाता हूँ ऐसे ही किसी और ईमानदार से। और ये है हमारे घर के पास वाले बाजार की दुकान के मालिक। हम अपने रोज का सामान इनकी दुकान से ही लेते हैं। पूछते हैं इनसे कि मोदी जी ने 500 और 1000 के पुराने नोट को बंद करके बदले में नए नोट लेने को कहा है, तो ये इस बारे में क्या सोचते हैं? छोटा गल्ला है साहब, किराने की दुकान पे तो कैश का ही कारोबार होता है, अब हम भी कौन सा रोज रोज बैंक जा पाते हैं, हमारे पास पैसा है और घबराने की कोई बात नहीं है। 30 दिसंबर 2016 तक पास के बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर देंगे, मेरा पैसा सुरक्षित है। भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की इस मुहिम में इनका पैसा तो सुरक्षित है। ये संदेश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।